डरावनी रातें YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और भूतिया कहानियाँ। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। हमारी आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है भीमराव जी ने। भीमराव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब इस कहानी को सुनते हैं भीमराव जी की जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम भीमराव है और ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। मैं भोपाल का रहने वाला हूं और मैं यहां पर एक प्राइवेट बैंक में काम किया करता हूं। ये बात पिछले साल की है। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम के वक्त बहुत घूमा करता था और बैंक से छुट्टी होते ही ज़्यादातर मेरी तरफ से पार्टी होती। मैं काम कर रहा था जबकि मेरे दोस्त काम ढूंढ रहे थे। हम में ये बात हुई थी कि जैसे ही जिसको कोई भी काम मिलता है वो पार्टी दिया करेगा। पहले मुझे काम मिल गया था और मेरी सैलरी भी बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैं हर रोज़ उनको लेकर आइसक्रीम खिलाने के लिए जाता। कभी हम गोलगप्पे खाते तो कभी आइसक्रीम खाते। बैंक से छुट्टी होते होते मुझे 7 बज जाते और वो मेरा इंतज़ार कर रहे होते। 7 बजे के बाद हम दूर निकल जाते और वहाँ पर कुछ ना कुछ खाकर आते। आज हम भोपाल के एक खास जगह पर जाने वाले थे। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ की आइसक्रीम बहुत ही अच्छी होती है। मेरे दोस्त यही कह रहे थे कि हमें यहीं से आइसक्रीम खानी है। हमने एक ऑटो पकड़ा और हम वहाँ के लिए निकल गए थे। मैं अपने दोस्तों को यही कह रहा था कि मेरा ऑटो से ही ज़्यादा खर्चा होने वाला है, आइसक्रीम तो सस्ती ही खाएंगे। लेकिन वो मान नहीं रहे थे तो मैं भी उन्हें वहाँ तक ले आया था। उनका कहना था कि आते वक्त हम चलकर वापस आएंगे, तो मैं मान गया था। अब हम यहाँ पर आइसक्रीम खाने वाले थे और मैंने उनके लिए आइसक्रीम ली और हम आइसक्रीम पकड़कर घर की तरफ वापस आने लगे। हम आते वक्त काफ़ी बातें कर रहे थे और ये हमारा रोज़ का काम था, लेकिन हम इस इलाके में पहली बार आए थे। वैसे हम ज़्यादातर इतनी दूर दिन के वक्त ही आते थे और यहाँ से चलकर या बस पकड़कर घर की तरफ चले जाते थे। लेकिन आज सबने चैलेंज किया था कि चलकर घर वापस जाएंगे, भले ही हमें आधा घंटा या 1 घंटा लग जाए। हम इसी तरह से चलकर घर की तरफ वापस आ रहे थे। ये इलाका बहुत ही पुराना सा था और यहाँ पर बहुत सारे पुराने से घर थे, लेकिन यहाँ पर स्ट्रीट लाइट बिल्कुल नहीं थी, तो हम खुद की टॉर्च लेकर आए थे। टॉर्च सिर्फ एक के पास थी और वो सड़क की तरफ रोशनी किए आगे की तरफ बढ़ रहा था। हम इस सुनसान सड़क पर अकेले जा रहे थे। यहाँ पर तो कोई ऑटो नज़र नहीं आ रहा था, ना ही यहाँ पर बस नज़र आ रही थी। हम अब चलकर काफ़ी ज़्यादा थकने से लगे थे और आगे का इलाका दलदली था। यहाँ आसपास काफ़ी दलदल थी और उनके बीच से एक सड़क जा रही थी। मेरे एक दोस्त ने तब कहा कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं, ये शहर से बाहर जाने का रास्ता है, मुझे लगता है ये घूमकर हमारे घरों की तरफ जाता है, हमें दूसरी तरफ से जाना चाहिए। मैंने कहा कि नहीं, यहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, हमें शहर के बाहर से ही निकलना होगा, बीच से जाएंगे तो मुश्किल होगा, रास्ता लंबा हो जाएगा। ये कहने के बाद हम यहीं से गुजरते जा रहे थे। ये रास्ता ज़्यादा सुनसान था, यहाँ आसपास कोई घर नहीं था। हम इसी तरह से आगे बढ़ रहे थे और आगे हमें एक लंगड़ा आदमी खड़ा नजर आया। वो हमारी तरफ घूरे जा रहा था और उसके हाथ में कोई डंडा भी नहीं था। उसकी एक टांग टेढ़ी थी और वो दूसरी टांग के सहारे वहीं पर खड़ा था। हमें उसके पास से गुजरना था और हम उसके पास पहुंच गए। मेरे एक दोस्त ने जानबूझकर उससे पूछने की कोशिश की, भाई साहब हमें इस मोहल्ले में जाना है, किस तरफ से रास्ता होगा? लेकिन वो लंगड़ा आदमी वहीं पर हमें घूरे जा रहा था। हमें थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन मैंने कहा चलो छोड़ो, उसे परेशान मत करो। वो इस सुनसान में क्या कर रहा था हमने ये सोचा ही नहीं, लेकिन जैसे ही हम उसके सामने से आगे गुजर गए वो जैसे पीछे से चीखने लगा। उसकी चीख बहुत ही तीखी सी थी और वो हमारी तरफ देखकर
मुंह खोलकर चीख रहा था। उसका मुंह धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था। तब हमें एहसास हुआ कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। हम सब उसे देखकर डर गए थे। उसने अपनी आंखें भी जैसे ऊपर को चढ़ा ली थी। हम बड़ी तेजी से भाग रहे थे और उससे दूर होना चाहते थे। तभी हमारा ध्यान उस पर पड़ा। वो लंगड़ा होने के बावजूद हमारी तरफ भाग कर आ रहा था। उसकी चाल बड़ी ही टेढ़ी थी और उसकी टांग जैसे मुड़ी हुई थी। फिर भी वो भागकर बड़ी तेजी से हमारा पीछा कर रहा था। हम सही सलामत स्थिति में उससे ज्यादा दूर नहीं निकल पा रहे थे। वो बड़ी तेजी से हमारे पीछे आता जा रहा था। हम डरे से सहमे से आगे बढ़ते जा रहे थे। तभी मेरा एक दोस्त पैर फंसने के कारण वहीं पर गिर गया। हम उसे बचा नहीं पा रहे थे, इसलिए हम भी आगे की तरफ भागते रहे। लेकिन एक जगह पर खड़े होकर हम उसकी तरफ पीछे देख रहे थे और वो लंगड़े आदमी ने उसे जैसे गले से पकड़ लिया था। वो जैसे उसके माथे पर काट रहा था। तब हम डरे से सहमे से यहीं से पत्थर मारने की कोशिश कर रहे थे। पत्थर उसको एक भी नहीं लग रहा था, लेकिन तब हम भी चिल्लाने लगे थे। हम अपना बचाव करना चाहते थे। हम चाहते थे कि यहाँ पर कोई ना कोई तो आए जो हमारी मदद करे। तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी और उस गाड़ी वाले ने अपनी गाड़ी को रोक लिया। उस गाड़ी वाले की रोशनी हमारे दोस्त पर पड़ रही थी और उस लंगड़े आदमी पर भी पड़ रही थी। उस रोशनी में वो जैसे चमक सा रहा था, वो जैसे सफेद सा नजर आ रहा था। तब वो दूर भागने लगा। पता नहीं इस रोशनी का कमाल था या उस आदमी का, लेकिन वो डर कर दूर भाग रहा था और मेरा दोस्त कटा सा नीचे कराह रहा था। तब हम वहां पर गए और उसे उठाकर गाड़ी में बिठा दिया। वो आदमी भी बहुत अच्छा था। उसने हमें अस्पताल तक छोड़ दिया था। अस्पताल में हमने देखा कि हमारे दोस्त के सर पर कई कट के निशान बन चुके थे। ये बड़े ही अजीब से कट के निशान थे, जैसे दांतों से उसे काटा गया हो। हम सबको ये बता रहे थे कि वहां पर हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है। तब वहां पर एक नर्स ने बताया कि यहाँ कई साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हो गई थी। कहते हैं कि उसकी एक टांग के ऊपर ही बस चढ़ गई थी। उसके बाद उसके शरीर में जहर फैल गया और उसकी मौत हो गई। उसके बाद से वहां पर कई लोगों को उसी तरह का एक टांग टूटा हुआ इंसान नजर आता है जो उन्हें मारने की कोशिश करता है। उस दिन हमारा दोस्त तो बच गया था, लेकिन हम दोबारा कभी इतनी रात को वहां पर नहीं गए। आज भी हम उस बात को याद करके सहम से जाते हैं और दोबारा बाहर घूमने की बात से डर से जाते हैं।